अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो मारिया बिलाल इज़ हियर। तो ये हूरब आपको दिखाई दे रही हैं जी। ये हैं जी शादी के फंक्शन पे हम लोग, और आपको पता है शादी का सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है, तो ये शादी है यहाँ पर किसी की, तो हम इनवाइटेड थे तो आ गए हैं। और आपको पता है कि शादी में अगर आपकी फैमिली में शादी ना होना, मतलब कि आउट ऑफ फैमिली हो, नेबर्स में और इस तरह की, तो फिर जाते हुए ना मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। अब जाना भी ज़रूरी होता है, और बस किसी को इंसान इतना जानता भी नहीं होता, और मेरी इस चीज़ से ना बड़ी जान जाती है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप किसी शादी पर जाएं और आपका इतना कोई जानने वाला ना हो, तो फिर आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? तो जिनकी शादी थी हम जस्ट उन्हें ही जानते थे, काफ़ी क्लोज जानते थे, लेकिन अब उनके रिलेटिव्स वगैरह को तो नहीं जानते थे इतना। तो अब मैं जाना भी था, जेंट्स अलग थे, लेडीज़ अलग थी, और मैं अलग बैठी हुई थी। बच्चे, कुछ बच्चे बिलाल के पास थे, एक बच्ची मेरे पास थी। तो बस ये खाना लग रहा है, खाना, बच्चों को भूख लगी हुई थी, और ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हूरब को फ़्रॉक पहनने का बहुत शौक है, हूरब की फ़्रॉक छोटी हो गई है, माशाल्लाह हूरब बड़ी हो रही है, तो मैंने कहा चलो अब तुम ये फ़्रॉक पहन लो। और अहमद भी बहुत एक्साइटेड थे, बच्चों को तो बहुत खुशी होती है, जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, बस शादी पर जाना होता है उन्होंने। तो जी फिर ये हो रही है, शादी अटेंड हो रही है, क्योंकि आपको पता है सीज़न चल रहा है, और ये हॉल है। खाना वगैरह खा लिए, अब मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ से घर जाएं। अब जल्दी से एक फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर ली है, जस्ट हमने वलीमा अटेंड किया था, मेहंदी और बारात का फंक्शन नहीं अटेंड किया, हालांकि हम इन्वाइटेड थे, तो मैंने कहा नहीं एक ही फंक्शन पर जाएँगे, तो ये भी बड़ी मुश्किल से अटेंड किया है। अच्छा था, इन्जॉय किया हमने। ये देखें बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्राइट दिखाती हूँ, और ग्रूम भी दिखाती हूँ। ये देखें इन दोनों को, इन्होंने इंजॉय किया बस बच्चों ने, ठीक है। अब सब जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं घर में। तो जी ये आप देखें कपल की पिक्चर, और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। हाफिज़।